इस देश की सबसे होनहार बेटियां, इस देश की वो बेटियां जो अपनी पीठ से बड़े बड़ों को पटकनी देकर चारों खाने चित्त कर देती हैं, इस देश की वो बेटियां जब वो मेडल लाती हैं तो लोग लालायित होकर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है कि वो मुजरिम हो, उनको सड़कों पर इस कदर बेइज्जत किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया हो। ये देश की वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिनके पीछे मीडिया भागती है, जिनके साथ खड़े रहने में प्रधानमंत्री को भी गर्व का अनुभव होता है, जिनको वो ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मेरे घर की बेटी हो, तुम्हें निराश मैं नहीं देख सकता हूं। आज इस देश में एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। बहुत दुख हुआ ये देख के, लेकिन आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राजतिलक करा रहा था तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था, बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं, उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। आज इस देश में वाकई में इतिहास रचा गया है। हाथापाई करी गई उनके साथ। और ये क्या कर रही थी लड़कियां, एक महीने से ऊपर इस देश की सबसे होनहार सबसे वीर बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर आपसे न्याय की गुहार कर रही हैं। न्याय देना तो दूर, आपने उनको आतंकवादी घोषित कर उनके साथ ये दुष्चार किया है। कुछ सालों पहले एक दिवंगत प्रधानमंत्री ने आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म की बात करी थी। आज जब राजदंड के नाम पर एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे, उस समय देश की बेटियों के साथ यह हो रहा था और मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली को छावनी बना दिया गया, किसी को आने की दिल्ली के अंदर इजाजत नहीं है। उन लड़कियों को सिर्फ घसीट कर मारा ही नहीं गया, डिटेन किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। मेरी कुलीग यहां पर हैं, वो आपको और विस्तार में बताएंगी कि जब महिला कांग्रेस के हमारे सहकर्मी वहां पर गए तो उन्होंने क्या विभत्स दृश्य देखा। लेकिन वो एक महीने से न्याय की गुहार कर रही हैं और न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चुप्पी और ये जो आज बर्बरता हुई है ये नजर आ रही है। कुछ लोग पूछते थे और आज ये सवाल अपने आप में ज्यादा बड़ा हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा, देश टूटा ही कहां है। आपको ये एक टूटा देश नहीं दिखता है,
आज जिस तरह से साक्षी मलिक को या विनेश फोगट को या बजरंग पुनिया को जिस तरह से खींच खींच कर लताड़ा जा रहा था, जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारी देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था, इतिहास इस बात का साक्षी बना है आज। और अगर यह देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वह समाज सड़ चुका है, गल चुका है, उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे, क्या हो गया है मोदी जी आपको? और अगर किसी को भी लगता है कि एक इमारत बना जाने से आप इतिहास रच देंगे, तो मैंने पहले भी कहा है सीमेंट बालू और स्टील की इमारतें इतिहास नहीं रचती। इतिहास आपने रच दिया आज, और इतिहास बहुत स्याह रचा इन बेटियों को देखकर। किसके अंदर आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 2021 में विनेश फोगट ने प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था, प्रधानमंत्री ने उस बारे में क्या किया? आज सवाल यह उठ रहा है, आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ यह बर्बरता कैसे कर सकते हैं? आज हर स्वर, हर औरत यह सवाल पूछ रही है आपसे। यह मुद्दा बीजेपी की सांसदों का, महिला नेत्रियों का अब नहीं रह गया है, क्योंकि उनके अंदर का जमीर सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। वो अपने आप को महिला और मां कैसे कहती है मुझे नहीं पता। अगर यह वीडियो देखकर आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है और बोलने पर मजबूर नहीं करती, तो वाकई में आप अपना जमीर बेच खाए हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं और बार बार यह मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो, और सरकार अपना दंभ और अहंकार छोड़कर इन बेटियों की बात सुने। ये बेटियां क्या मांग रही हैं? 76 साल हम आजादी के मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। राजदंड और राजधर्म के जो दुहाई देते हैं, वो पहले बेटियों को न्याय देने की बात करिए।